So, hey guys, welcome back to another vlog and welcome back to our channel Adi Vlogs. I hope you all of you are doing it guys. तो कैसे हैं आप लोग, आप देख रहे हैं Adi Vlogs. जी हाँ, हमारा चैनल. इसी के साथ आप सबका वेलकम करते हैं हम अपने चैनल पे. और जैसा कि आप लोगों को पता है, अपनी तगड़ अड्डी सीरीज चल रही है. सॉरी, तगड़ अड्डी सीरीज बोल रहा हूँ. अरे आजकल वो बिग बॉस ज़्यादा देखने लग गया, इसलिए तगड़े तगड़े हो रहा हर जगह. कोई नहीं, बिग बॉस से याद आया, अपना भाई रजत दलाल अंदर गया हुआ है. तो मेक श्योर भाई को ज़्यादा सपोर्ट करना, जिताओ अपने भाई रजत भाई को, क्योंकि इस बार फिर से ट्रॉफी हरियाणा आने वाली है. ये चीज़ तो सभी को पता है, ये चीज़ कोई बताने वाली कोई नई बात भी नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है. ट्रॉफी तो हरियाणा ही आएगी. बाकी मैं अभी फ़िलहाल हूँ अपने घर. सुबह सुबह उठ के तैयार वगैरह होके मेरे अपने दूसरे वाले घर आया, जो मैंने यार पूरा रूम सेट कराया था. आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो लो मैं दिखा देता हूँ. ठीक है भाई, पहले कैसा था वो आप लोग पिछले व्लॉग में देख लेना, और इस वाले व्लॉग में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये सब हो चुका. ठीक है, तो अभी फिलहाल मेन जो दो तीन काम रहते हैं वो बस ये है. वॉल्स हो गई थी, हमने दो तीन जगह छुड़वाई थी, जैसे कि ये वाली पूरी, ये इसलिए छुड़वाई है ताकि इस एरिया में पूरा एक बड़ा शीशा लगेगा, बैकग्राउंड रहेगा उसका ये, और अपना ये सोफा वोफा सब बढ़ जाएगा फिर यहाँ से. ठीक है, घर भी थोड़ा सा मैसी हो रखा है और दिवाली भी पास है. इट्स मीन साफ सफाई और ये सारे काम रहते हैं. जैसा भी होगा बताते हैं आप लोगों को. भी फिलहाल आप बने रहो, क्योंकि मुझे जाना है एक बार, मैं एक शॉप पे जाना, आपको शॉप पे जाके मिलता हूँ और कुछ बताना भी आप लोगों को, काफ़ी इंटरेस्टिंग. ओके गाइस, फिलहाल सुबह सुबह पी रहा हूँ अपना काढ़ा. काढ़ा पीने के बाद निकलता हूँ दुकान की तरफ, क्योंकि काढ़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, जो कि अंदरूनी बीमारी हटा देता है. तो आप भी पूरी ठंड क्या, वैसे भी पीता हूँ मैं तो, पर रेगुलर बेस पे अब पीना शुरू करा. वैसे पीता था कभी कभार, वैसे मेरे गले में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो भी काढ़ा हर एक चीज़ के लिए बेस्ट है. तो काढ़ा पिया करो भाई, है ना, काढ़े से बेस्ट कुछ है ही नहीं. हाँ भाई, तो क्या लन्नू भाई है, क्या 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 सीन है फिर दिवाली का? कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं. अरे यार, जो भाई दिल तुड़वा के बैठा बहुत बुरी तरह, इसका कुछ करो भाई, है ना, कोई किसी की नज़र में कोई हो, है ना, एक अच्छी लड़की. मतलब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता कदे भी. देखो जो सच है वो सच है, सच में कोई छुपाने वाली बात नहीं है. तो भाई मेरे पीछे बैठा ना, हकीकत में मतलब एक तरफ चाहे तो मैंने बुरा मान लियो, अखा आदि भी कहीं ना कहीं बुरा लिखा सके, पर इसके बारे में नहीं भाई. दिल का काफ़ी अच्छा है बस, और इस बढ़िया चीज़ कुछ है ही. तो अनु जो तेरे 300 रुपये मेरे पे माफ समझू फिर मैं. हाँ भाई, कैसे, गुड मॉर्निंग हो रही है. सुबह खाया खाना? यो भाई इतनी जल्दी खाना खा ले भाई, 8:30 बजे. इसकी जिंदगी सब तो बढ़िया है, इनकी जिंदगी में ना वन ऑफ द बेस्ट जिंदगी मैं एक मानूँ, क्योंकि इनका टाइम काम ही क्या करा, खाना पीना सोना अगड़ा मूझना वो भी हमें करवाया करें इनका, वो भी इन पर खुद ना होता. ऐसा भी हो रहा भाई हमारे यहाँ पर कुछ, एक अंकल एंटी आ रहे हैं बस खेत के बीच में, बाकी पूरा मॉल में. और वो जब दूर था आप देख रहे हो, कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं है भाई, ये सब फोग है. ठीक है, धुंध है थोड़ी, ठंड हो रखी है हमारे यहाँ, सुबह सुबह ठंड होने लगती है. तो कुछ ऐसे इलाके वगैरह मेरा जहाँ ठंड सबसे पहले महसूस होने लग जाए. फाइनली आई एम इन द शॉप, और आप लोगों को थोड़ा आउटलुक दे दूँ मैं अब शॉप का अपनी. तो हेलो भाई, जिसे भी चाहिए वो आ सकता है भाई. मैं ना थोड़ा सरप्राइज दे देता हूँ एकदम सभी लोगों को, हर एक चीज़ स्टॉक में है फिलहाल. अगर मैं हर एक चीज़ की बात करूँ तो हर एक चीज़ की बात करता हूँ बाद में. फिलहाल आप लोग आउटलुक ले लो शॉप का, और किसी को इनमें से कुछ भी चाहिए, यू नो, कुछ भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो नंबर भी मैंशन कर दूँगा अपने बड़े भाई का, तो वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, फिलहाल मैं अपनी दुकान में बैठा हूँ, और आज लाइक मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं कि ऐसा सब कुछ है. ऐसा सब कुछ बहुत पहले से है, मैं आप लोगों को बस बता नहीं पाया, टाइम नहीं लगा. फिर मेरे दिमाग में एक ही दमाया कि ऐसा बहुत कुछ रहता है जो अभी तक आप लोगों को बताया ही नहीं है. तो ये शॉप हमारे बड़े भैया संदीप भाई की है, और जो भी यहाँ से अपना आना चाहे सामान लेना चाहे वो ले सकता है. मैं कुछ दिन से संदीप भाई और यहाँ पर है नहीं, तो कुछ टाइम से यहाँ पर शॉप पर मैं ही बैठ रहा हूँ. किस करके कि थोड़ा मेरा भी शेड्यूल ठीक हो जाए, यू नो, थोड़ा मेरा भी बेनिफिट था इस चीज़ में कि मेरा शेड्यूल भी ठीक हो जाएगा. सुबह 6-7 बजे उठने लग जाऊँगा, वो पहले वाला हिसाब किताब नहीं रहा, 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक उठने वाला, अब थोड़ा जल्दी उठ जाया करूँगा. तो इन सब चीज़ों में भी काफ़ी डिफरेंस आ गया. और अगर यू नो, अगर मेरे डेली शेड्यूल्ड का सिनेरियो आप लोग देखो, तो मैं बता दूँ थोड़ा सा, मतलब आपको थोड़ा सा बता दूँ. पहले, अब से पहले एक 12 के बाद उठना, फिर टाइम लगे तो रोटी खा लेना, ठीक है, फिर जिम चले जाना, फिर घर आना, खाना, सो जाना. हाल उस टाइम पे ये रूटीन था, तो अब थोड़ा उससे निकला हूँ बाहर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करना है. आज से अगर मेहनत करने लगूँगा तो आगे तक करता चले जाऊँगा. अभी फ़िलहाल मैं बैठा हूँ अपनी शॉप पे,
और ये है पूरी डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंट स्टोर है हमारा पूरा। आपको हर तरीके के प्रोटीन, हर तरीके के सप्लीमेंट्स, हर तरीके की दवाइयाँ, हर तरीके की सब कुछ लीगली प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर मेंशन कर रखा, आप लोग वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो विजिट करो शॉप पे, जो भी आपको चाहिए हर तरीके का प्रोटीन, हर तरीके का सप्लीमेंट, यू नो प्रोटीन में भी, मेरे को भी नहीं पता था प्रोटीन में इतना सारा सब कुछ होता है, जैसे कि वे आइसोलेट है ना, ब्लेंड और हाइड्रोजन सब कुछ भी होते हैं, मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को अब यहाँ पे बैठने के बाद पता लगा। तो यू नो काफ़ी नॉलेज भी मिलती है, कहीं भी बैठो यार हर एक काम से नॉलेज मिलती है। और नॉलेज तो भाई मुझे उस चीज़ से भी मिली जब यू नो जब जिन्हें जिनकी मुझे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा नीड थी, ज़रूरत थी, उस टाइम पे उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब ऊपर वाले की देन है, जो भी वो करता है अच्छे के लिए करता, हम तो यही मानते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो इसके ऊपर ही बताऊँगा, अगर तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम पे भोंकने लगे ना तो समझ जाना उसे रोटी कहीं और से मिलने लगी है। कैसी कैसी बात करने लगा हूँ भाई आजकल मैं अपने ब्लॉग्स में। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी शॉप का मेन एड्रेस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आप लोगों को, आप आ जाना। अगर आप लोग नरेला के कहीं नियर से हो तो, या कहीं से भी हो तो आप लोग अपना ऑर्डर भी मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अगर स्टॉक की बात करें तो अपने पास स्टॉक काफ़ी रखा हुआ है यहाँ पे शॉप पे, ठीक है, पूरा स्टॉक रखा हुआ है हर तरीके का, आपको अच्छे रेट में प्रोवाइड करवा देंगे जो भी आप लोगों को चाहिए, ठीक है। हर तरीके की मेडिसिन, प्री वर्कआउट्स, फिश ऑयल, हर एक चीज़ है भाई, हर एक चीज़, ठीक है। अब जितना बताऊँ उतना कम है, बोरे सामने पूरे, ठीक है भाई। हर एक तरीके की सुख सुविधा आप लोगों को यहीं से मिल रही है, तो आप लोग बाहर मत जाओ, अच्छे रेट में मेरा नाम लेकर डिस्काउंट ले लेना, 10% का आप लोगों को डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है। मेरा पर्सनली किसी को कोई हेट नहीं है, ठीक है, हेट मेरा है ही नहीं कभी किसी को, क्योंकि यू नो आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो हूँ जिसके लिए हूँ मैं वैसा ही हूँ, ठीक है। अगर मैंने कुछ बुरा करा है तो मैं बुरा ही मानूंगा अपने आप को, मैं वहाँ पर अच्छा बनाने की कोशिश भी नहीं करूँगा। अगर तुम यहाँ पर बुरे हो तो तुम अपने आप को बना लेना अच्छा, पर मेरी नज़रों में कभी अच्छा नहीं बन पाओगे फिर तुम, ये वाला बंदा भाई। मैं थोड़ा सा तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी अपने आप में अहंकारी है कि लाइक मेरे अंदर इस चीज़ का घमंड है, मेरे अंदर उस चीज़ का घमंड है, तो मैं यू नो अगर मैं अपने वाली पे आऊँ, वैसे मैं कभी आऊँगा नहीं क्योंकि माइंडसेट का भी चेंज कर लिया, डिसिप्लिन वगैरह में रहने लगा हूँ आजकल, लड़ाई झगड़ा, यारी दोस्ती, यू नो भाईचारा, बंदी बंदियाँ, इन सब चीज़ों से काफ़ी परे हो चुका हूँ मैं। तो हाल फिलहाल एक काफ़ी अच्छी सुकून वाली, सुकून भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो इससे रिलेट मत करो मेरी पर्सनल ज़िंदगी को जो मैं पहले था, और मैं वैसा बनना भी नहीं चाहता, क्योंकि यू नो एज जब मिनियर एज से बंदा निकल के एक मैच्योरिंग एज में जाता है ना भाई, तो वो माइंडसेट काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाता है, काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है वो बंदा हर एक इंसान को लेके। तो मैं जिस भी इंसान पर गुस्सा करता हूँ यार मुझे माफ़ कर देना, ठीक है, बाकी मेरा पर्सनली किसी को कोई गुस्सा है नहीं, ठीक है। बाकी मैं काफ़ी प्यार से रहने लगा हूँ, काफ़ी अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक ठीक है जो पहले हुआ सो हुआ, पर कल को अच्छा बनाओ, है ना। और एक और बात, जो भी भाई अभी तक मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से कनेक्ट नहीं हुआ, तो आप लोगों को बायो में, यूट्यूब की बायो में, मतलब मेरे चैनल के प्लेटफॉर्म पे मेरे यूट्यूब की बायो में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करो, आओ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, वहाँ पे भी अपना प्यार सपोर्ट दिखाओ। आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोगों को कभी निराश तो वहाँ पे नहीं करा, यहाँ भी नहीं करूँगा, है ना। कुछ कुछ मेंस क्लिप होती हैं जो मेरे फैंस पे जिस पे डल जाती हैं, लाइक या मेरे अपने पीवीटी चैनल पे डाल देता हूँ मैं, अपने पीवीटी अकाउंट पे, या फिर अपने मेन अकाउंट पे डालता हूँ, तो उस चीज़ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैंने एक टाइम ऐसा था कि भाई मैं ना छोटी छोटी बातों पर मम्मी पे गुस्सा करने लगा, तो कोई मुझसे पानी मांग लेता था ना, मैं बोलता था खड़ा होके ले ले, तो यू नो मैं उस जगह से निकला हूँ भाई जिस जगह पे ना कोई देखता नहीं है ना तुम्हें। आप लोग एक सही पोजिशन पे आने लग जाओगे ना धीरे धीरे, जो तुम्हें नहीं पूछते थे वो पूजा भी करने को तैयार है भाई आज तुम्हारी। जब तुम्हारा वक्त पूरा होगा ना तब तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, किसी से उम्मीद भी मत करना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, किसी से कोई भी उम्मीद मत करना, क्योंकि तुम उम्मीद करोगे और वो तुम्हारे बुरे वक्त का नजायज़ फ़ायदा उठाएगा, ध्यान रखना हमेशा मेरी आवाज़। तो आपकी ज़िंदगी है, दुख भी आपके हैं, सुख भी आपके हैं, वो जीने ना जीने सब कुछ आपके हाथ में है। मैं बस आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आपके आपकी लाइफ में दुख का पीरियड आ रहा ना, तो इट्स मीन सुख का पीरियड भी बहुत जल्दी आने वाला, तो बस आप लोग वेट करो और भगवान पे भरोसा रखो, अपने मम्मी पापा की सेवा करो, अपने भाई बहन के साथ रहो, सबके साथ हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, जीते रहो,
किसी पे बिन मतलब में गुस्सा करके कुछ वो नहीं मिलने वाला तुम्हें, क्योंकि जो चीज़ तुम प्यार से बोल मांग सकते हो, जो चीज़ तुम प्यार से यू नो दे सकते हो, वो चीज़ गुस्से से दे के या फिर गुस्से से लेके कुछ भी नहीं मिलना भाई, सिर्फ बर्बादी होती है उस चीज़ में। तो यही चीज़ है भाई बस। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, पहले सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। बाकी हम भी भाई हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, आ रहे हैं फॉर्म में। गेनिंग पर हूँ भी हाल फिलहाल, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं गेनिंग पर चल रहा हूँ हाल फिलहाल। बॉडी की कंडीशन कुछ ऐसी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को मिलूँगा थोड़ी देर में, मतलब अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर दो और आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, पूरे मजे लेंगे वहाँ पे भी। आ जाओ, बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। पहुंच गए यहाँ तक, वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब 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 तो सब्सक्राइब करो यार, और वो जो लाल वाला बटन है उस पे पैसे फेंक के मारो या फिर मेरा सोना, उस पे डंबल मारो या प्रोटीन फेंक के मारो, उस पे सादा कोक मारो या मसाला, उस पे छक्का मारो या उस पे लात मारो, कूदो टब्बे खाओ कुछ भी करो, लेकिन वो दब जाना चाहिए। स्पीड, तुम्हें सब्सक्राइब करने को बोलना है। कम ऑन, आई एम नॉट डूइंग दिस शिट मैन, कम सो गाइस।